मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो से हम आईटीआई सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रिकल ग्रुप की जो ट्रेड है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि हम मैकेनिकल ग्रुप की जो ट्रेड है उसके लिए सीरीज शुरू कर चुके हैं। वो अगर आप मैकेनिकल ग्रुप ट्रेड के बच्चे हैं तो वो सीरीज भी जरूर देख ले। हालांकि जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, और मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड है जैसे मशीनिस्ट है, टर्नर है, आरएसी है, फिटर है, इनके जो सिलेबस है वो अलग अलग है। लेकिन जब हमने सीबीटी एग्जाम में देखा तो इनमें से आपस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल ग्रुप ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो हमने मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड में भी देखे हैं, और मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ट्रेड में भी आए हुए थे। तो इन वीडियो को सभी बच्चे देख सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोगों को पता लग जाए किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने ये सीबीटी जो एग्जाम हुए थे पिछले साल वहां से बच्चों की रिस्पॉन्स शीट में से कॉपी की है, बहुत मेहनत करके हमने पीडीएफ बनाई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में जो क्वेश्चन है हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज की है, लिखने में भी और समझाने में भी। तो हिंदी लैंग्वेज के बच्चे हो या इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चे, दोनों के लिए ये दोनों सही रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए, कोल इंडिया के लिए, डीआरडीओ के लिए, चाहे कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हमारा टेलीग्राम एक चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, हमारा फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हो, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आप बच्चों के लिए उसको जोड़ सकते हो। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इन पे भी आप जुड़ सकते हो ताकि आपको वीडियो समय से मिलती रहे। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो भी और आईटीआई से रिलेटेड जितनी अपडेट है उनके जो वीडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दूसरे साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और जो आपके आईटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उनमें जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इन वीडियोज का फायदा हो जाए। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, विच इज द सिंबल ऑफ डीसी मोटर, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। देखो ये जो सारे क्वेश्चन हमने पिछले सीबीटी एग्जाम से लिए गए हैं तो हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यहां भी उम्मीद है कि अब जो एग्जाम होंगे उसमें भी रिपीट होंगे। इसके अलावा अगर रिपीट भी नहीं होंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं। देखो चार ये अलग अलग डीसी मोटर पूछा गया, चार सिंबल आपको दिए गए हैं, तो चार क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है चार, तो सारे सिंबलों का आपको पता होना चाहिए किस किस के लिए इसके यूज करते हैं। तो क्वेश्चन को अगर आपकी बार वो हो सकता है आपकी बार डीसी मोटर पूछा फिर एसी मोटर पूछ ले, दूसरे सिंबल के बारे में पूछ ले, तो वीडियो को ध्यान से देखें, हम सभी ऑप्शन को समझा के आपको ये क्वेश्चन कराते हैं। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया डीसी मोटर, आपके पास चार सिंबल है, मैं चारों के बारे में बताता हूं। जो ये सिंबल है सर्कल बनाया हुआ बीच में जी लिखा हुआ है, तो ये गैल्वेनोमीटर है। क्या ये गैल्वेनोमीटर है? यहाँ पे गोल सर्कल है बीच में ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये क्या ओम मीटर है, किसका सिंबल है ओम का, तो ये ओम मीटर है। यहाँ पर एम लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, एम का मतलब मोटर है और यहाँ भी एम का मतलब मोटर है, तो दोनों ये सिंबल मोटर के हैं, पहली तो बात ये। दूसरी जो डिफरेंस, इसके नीचे एक डंडा ऐसे सीधा खींचा हुआ है एम के नीचे, और यहाँ पर एम के नीचे ये इस प्रकार से बना हुआ है, तो इन दोनों में ही डिफरेंस है। ये जो सीधा डंडा है ये किसके लिए, डायरेक्ट करंट के लिए होता है, तो ये हमारे क्या हो जाएगी डीसी मोटर, क्या हो जाएगी डीसी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और यहां पर ये साइन वेव बनी हुई है किसके लिए होती है, एसी के लिए। तो अगर एसी मोटर पूछा होता तो फिर हमारा आंसर क्या होता है, डी होता। अब हमें डीसी मोटर पूछा गया तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टू। अब ये देखो विच इज द नोज प्लायर, नोज प्लायर इनमें से कौन सा है आपने बताना है। ये नोज प्लायर इन चार डायग्राम में से किस, कौन सा फिगर उसका नोज प्लायर का है, तो चारों का आपको पता होना चाहिए वैसे तो, लेकिन नोज प्लायर यहां पर आप देख सकते हो ये जो शेप है किसकी है, नोज प्लायर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो बाकी जो प्लायर है उनका भी पता होना चाहिए आपने, सिंपल प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, कटर है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। आप देख रहे हो सिंबल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो सिंबल वाले सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इसमें पूछा गया विच इज द सिंबल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का प्रतीक कौन सा, अर्थिंग कौन से सिंबल से दर्शाई जाती है। चार आपके पास फिगर है, देखो ये क्या हमारा स्विच है, ये भी पता होना चाहिए कौन किस तरह का, ओपन स्विच। ये क्या हमारा सेल का सिंबल है, ये भी पूछ सकता है। ये भी हमारा स्विच का सिंबल है, ये हमारा अर्थिंग का सिंबल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। जो अर्थिंग हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तो ये अर्थिंग है।
साथियों उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन और आपको समझ में भी आ रहे होंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना, वो तो अच्छी वीडियो होने वाली है। और आपका जो एग्जाम होंगे सीबीटी एग्जाम, अगर आप वीडियो को इस पूरी सीरीज को वीडियो को देख लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेट। अब ये जो फिगर दी गई इस गेट का नाम बताना, अलग अलग तरह के गेट होते हैं, सभी के सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको जो सिंबल है ये किसका सिंबल ये पता होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास और गेट, नोट गेट, एंड गेट या एक्स नोर गेट। तो आपको पता होगा अगर आपने सिंबल पढ़े होंगे तो ये एंड गेट का सिंबल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का नाम बताओ, जो ये सिंबल है किसका है ये आपने बताना। ऑप्शन आपके पास है बैटरी, डायोड, ट्रांजिस्टर या स्विच। तो जो ये डायग्राम है या सिंबल है ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम डायोड के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट, भाग को पहचानो। आपने बताना है ये किसका, मतलब ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है कंप्रेसर, वाल, स्पार्क प्लग या ब्लोअर। तो ये जो है हमारा क्या है, स्पार्क प्लग है। क्या भाई ये स्पार्क प्लग, जिसको हम जो पेट्रोल इंजन है वहां यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक तरह से देखा जाए तो मैकेनिकल का भी क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए कहा मैंने सारे जो क्वेश्चन है वो मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड के लिए भी और जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ट्रेड है सभी के लिए बराबर इंपॉर्टेंट। कोई क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन एमएमए में पूछा जा सकता है, डीजल मैकेनिक में पूछा जा सकता है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द वार्निंग साइन, चेतावनी संकेत का नाम। ये जो चेतावनी है किसके लिए हम यूज करते हैं वो आपने बताना। ऑप्शन आपके पास है टॉक्सिक हजार्ड यानी कि जहरीला खतरा, रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके का खतरा, रिस्क ऑफ द फायर, आग लगने का खतरा या लेजर बीम का खतरा। तो आपको अगर सिंबल आपने पढ़े होंगे तो ये किसका खतरा, हमारा रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक, जहां पर बिजली का झटका लगने का खतरा हमें लगता है कि हाँ बिजली का झटका लग सकता है, वहां ये सिंबल का हम प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो पोल होते हैं, खंभे होते हैं बिजली के, वहां भी सिंबल का प्रयोग करते हैं। जहां मशीनरी लगी होती है, हमारा पावर स्टेशन होता है, तो वहां इसका यूज करते हैं सिंबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ट्रैफिक साइन इंडिकेट। ट्रैफिक साइन क्या दर्शाता है, ये एक ट्रैफिक सिंबल है, आपने बताना है किस चीज को इंडिकेट करता है। ए ऑप्शन है क्रॉस रोड, ट्रैफिक डाइवर्जन, टू वे ऑपरेशन या स्लिपरी रोड। तो आप देख सकते हो जो एरो है ये दोनों साइड बने हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, टू वे ऑपरेशन, दो तरह से ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन जो दोनों तरह का है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, हमारी ट्रैफिक दोनों साइड जा सकती है, वन वे नहीं है, टू वे है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच डिवाइस प्रोड्यूस द एसी करंट इन द व्हीकल। कौन सा उपकरण वाहन में एसी करंट उत्पन्न करता है, आपने ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है डायनामो, इग्निशन कोयल, स्टार्टिंग मोटर या अल्टरनेटर। तो जो आपके व्हीकल होते हैं उसमें जो एसी करंट है वो प्रोड्यूस करती है हमारा अल्टरनेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द क्लच। क्लच का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी क्लच किस सिद्धांत पर काम करती है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है। ऑप्शन आपके पास सेंट्रीपिटल, स्क्रू एंड नट, फ्रिक्शन या स्लाइडिंग। तो जो हमारी क्लच है वो काम करती है फ्रिक्शन पे, किस पे काम करती है, फ्रिक्शन को हिंदी बोलते हैं घर्षण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके पास सिल्वर, लेड, मैग्नीशियम या कॉपर, जिसको हम तांबा भी कहते हैं। तो आप सभी को पता है तांबे के तार बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो हमारे जो वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है, विद्युत के तार हैं, किसके बनाए होते हैं, कॉपर के यानी कि तांबे के। तो ऑप्शन का इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ करंट डज अ कार बैटरी प्रोड्यूस। कार की बैटरी किस प्रकार का करंट उत्पन्न करती है। ऑप्शन आपके पास है अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती करंट, डायरेक्ट करंट, एक दिश करंट, अंडर टो करंट या फ्लो करंट। तो कार की बैटरी, बाइक कार की बैटरी हो चाहे कोई भी बैटरी हो, जो बैटरी है वो कौन सा करंट प्रोड्यूस करती है, हमेशा डीसी करंट प्रोड्यूस करती है, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। दिए गए प्रतीक चिन्ह का सही विकल्प चुनो। ये सिंबल किस चीज को दर्शाता है ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास हजार्ड लाइट्स, खतरा लाइटों को, लो फ्यूल नोटिफिकेशन, कम ईंधन की अधिसूचना, फ्रंट एयरबैग या बैटरी की वार्निंग। तो जब ये कार में ये सिंबल यूज किया जाता है तो ये दिखाता है हमारा हजार्ड लाइट को, खराब लाइटों को दिखाता है कि यानी कि हमारी लाइट में कुछ प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडेंसर।
कंडेंसर का क्या कार्य होता है आपने ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है कूल द हॉट रेफ्रिजरेंट, यानी कि गर्म रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना। यस, यही क्वेश्चन का आंसर भी है। जो कंडेंसर है, जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, जैसे फ्रिज है, एसी है, उसमें क्या करता है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है पाइप के अंदर से मूव करता है, उसको क्या करेगा, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगा, यानी रेफ्रिजरेंट को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड इन द माइक्रोफोन इन जर्नल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचानो। चार प्रतीक हैं, चार सिंबल है, आपने बताना है माइक्रोफोन के लिए कौन सा प्रतीक यूज किया जाता है। तो आपको अगर सिंबल पता होंगे तो ये जो सिंबल है बी सिंबल, ये किसके लिए यूज करते हैं, माइक्रोफोन के लिए यूज करते हैं, जर्नल माइक्रोफोन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रोफोन अलग अलग तरह के भी होते हैं। तो जो जर्नल माइक्रोफोन के लिए यूज करेंगे हम, ये सिंबल यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज के वीडियो के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह समझ में भी आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दूसरे साथियों के साथ, मित्रों के साथ, अपने जो आईटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके दूसरे दोस्तों को, आपके साथियों को भी इसकी मदद मिल सके। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके जवाब भी मैं आपके जरूर दूंगा, और जो आप कमेंट करते हो उनके जवाब भी मैं सभी के देता हूँ, तो कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, जल्द ही मिलेंगे अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।